झारखंड को राहत मिली है। अब हमारे मुख्यमंत्री जी भगौड़ा नहीं है और मुझे विश्वास है कि जो नए मुख्यमंत्री जी आएंगे वो जो भी जांच एजेंसीज हैं, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसमें पूरा सहयोग देंगे। पूर्व के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे और जब अवसर मिला तो उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का ये शासन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसे रोकना जरूरी था। जहां तक आपने इल्जाम लगाया कि जांचीय जो एजेंसीज हैं वो सिर्फ विपक्ष को टारगेट करती हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। वास्तव में क्या है कि जो विपक्ष की सरकारें हैं वहां के पुलिस जो हैं वो कोई भ्रष्टाचार के आरोप पे कोई जांच करते ही नहीं है, और अगर वो करें तो जरूर उनको प्रमाण मिलेगा और देखा जाएगा कि किस प्रकार से लूट हो रहा है, जो झारखंड में अवश्य हो रहा है। सर, चंपई सोरेन जिन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री, सरकार की उल्टी घड़ी चल रही है, कुछ ही दिनों में चुनाव भी आ जाएंगे, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव के बाद, और तब तो जनता करारा जवाब देने वाली है इस भ्रष्ट और अयोग्य सरकार को। तो कोई भी मुख्यमंत्री बने ये कोई लंबा टिकने नहीं वाले।